नमस्कार किसान भाइयों, मैं शिवम यादव लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हर बार हम आप सबके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, उसी तरह हम आज फिर हाजिर हैं आप सबके लिए बहुत कुछ खास लेकर। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात करेंगे कपास की फसल में खरपतवार नियंत्रण और खाद प्रबंधन के बारे में। इसकी खेती भारत में की जाने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल में से एक है, जो कि देश की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर कपास विश्व में वस्त्र उद्योग को बुनियादी कच्चा माल प्रदान करता है। कपास के रेशे का उपयोग जहां कपड़े तैयार करने में करते हैं, वहीं ये बिनौलों की खली और तेल के रूप में बड़े स्तर पर उपयोग में लाया जाता है। इन्हीं खूबियों के कारण कपास को सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कपास की खेती में बहुत सी सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, जिनमें जलवायु से लेकर भूमि का चुनाव, भूमि की तैयारी और बीज की उन्नत किस्म के साथ ही उनकी रोपाई तक का विशेष महत्व होता है। इसकी अच्छी बढ़वार के लिए हमें उचित मात्रा में खाद प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। कपास की किसी भी किस्म के लिए 50 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सुपरफास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ देना लाभदायक होता है। कपास की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए खाद प्रबंधन किस तरह करें जिससे हमें बेहतर फसल प्राप्त हो, इस पर उचित सुझाव दिया है चंद्रभानु गुप्ता के प्रवक्ता डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह ने। खाद एवं उर्वरक प्रबंध, मैनुअर एंड फर्टिलाइजर का जो यूज हम करते हैं, राजस्थान में देखते हैं कि 75 किलोग्राम नत्रजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं या देते हैं। और दलहन की फसल उगाने के बाद कपास की पैदावार में 20 से 45 प्रतिशत तक वृद्धि होती है, 20 से 45 प्रतिशत वृद्धि होती है और साथ ही साथ लगभग 40 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से बचत भी की जा सकती है, बचत होती है। और पंजाब और हरियाणा, जो कि हमारे कपास के लिए एक अच्छी फसल मानी गई है, और यहाँ पर भी 80 किलोग्राम नत्रजन तथा 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लाते हैं। किसान भाइयों, ये तो बात हुई कपास की फसल के लिए उपयुक्त खाद और उर्वरक से जुड़ी हुई जानकारी की। कपास की अच्छी वृद्धि के लिए खाद और उर्वरक के साथ ही हमें निराई गुड़ाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। फसल की अच्छी देखभाल ना होने पर कभी कभी हमें लाभ की जगह हानि उठानी पड़ जाती है। सही ढंग से खरपतवारों का नियंत्रण ना करने पर हमें कितने प्रतिशत तक नुकसान उठाना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। कपास की फसल में निराई गुड़ाई पहली सिंचाई करने से पहले करनी चाहिए। इसके बाद फसल बढ़वार के समय कल्टीवेटर या हल से 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। फूल के समय हल या कल्टीवेटर का प्रयोग ना करें, उस समय खुरपी से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ज्यादा वर्षा या अन्य कारणों से अगर फसल 1.5 या 2 मीटर से ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी ऊपर की शाखा को कैंची से काट देना चाहिए, ताकि कीटनाशक छिड़काव में परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम किन रसायनों का प्रयोग करके फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं, आइए जानते हैं चंद्रभानु गुप्ता के प्रवक्ता डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह जी से। खरपतवार नाशी रसायनों का भी हम उपयोग करते हैं, जिसमें डायरोरोन सबसे अच्छी रसायन मानी गया है और कोटोरोन भी एक सफल दवा मानी गई है। अधिकतर किसान भाई हमारे कोटोरोन का ही दवा का छिड़काव करते हैं और डायरोन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने के बाद 529 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने में खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। और उत्तर भारत में कपास उगाने के लिए बाद में डायरोन तथा पाराक्वाट का छिड़काव वर्षा शुरू होने के बाद करना चाहिए। बरसात के पहले खेत की सूखी गुड़ाई करके खेत को हम
खरपतवारों द्वारा नियंत्रण कर लेते हैं, जिससे कि हमारे खेत के जो भी खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाएं। जो खरपतवार होते हैं उसमें पेंडीमिथालीन उसकी मात्रा 1.0 से 1.5, और इसका प्रयोग कपास की बुआई के बाद परंतु अंकुरण से पूर्व करते हैं। और इसकी जो विधि है, खरपतवार राशि को संतुलित मात्रा में 600 लीटर पानी में घोल एक बना लें और एक हेक्टेयर की दर से समान रूप से छिड़काव करें, जैसे करते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो थी कपास की खेती से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें बता सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम सनई की खेती के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारतीय बाजारों तक सनई के रेशे से बने सामानों की मांग बढ़ती जा रही है। सनई के रेशे से फैशनेबल कपड़े, चप्पल, सजावटी सामान और पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परंपरागत बोरा बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश में सनई की खेती घटती जा रही है। कभी देश में सनई की कुल खेती का 40% खेती उत्तर प्रदेश में होती थी, लेकिन प्रदेश के किसानों का सनई की खेती से मोहभंग होना शुरू हो गया। ऐसे में एक बार फिर केंद्र सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने राज्य में सनई की खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करना शुरू किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार का जूट तकनीकी मिशन और विशेष जूट कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 30 जिलों का सनई की खेती के लिए चयन किया गया है। इन जिलों में किसानों को विभाग सनई की खेती को प्रोत्साहित करने के साथ ही मदद भी दे रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, वाराणसी, बांदा और इलाहाबाद ऐसे जिले हैं जहां पर सनई की खेती सबसे ज्यादा होती है। रेशे वाली फसलों में जूट के बाद सनई का स्थान आता है। सनई के रेशे से परंपरागत रूप से रस्सियां, मछली पकड़ने के जाल, सुतली, डोरी, झोले, टिश्यू पेपर और नोट बनाने के पेपर भी बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं सनई की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और भूमि की तैयारी के बारे में। जलवायु। सनई खरीफ ऋतु की फसल है, जिसकी खेती 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर की जाती है। पौधों की वृद्धि के लिए उच्च तापमान और आर्द्रता जरूरी है। पौध वृद्धि और अच्छी उपज के लिए औसतन 38 से 47 डिग्री सेल्सियस तापक्रम लाभदायक होता है। सनई की खेती उचित जल निकास वाली सभी तरह की भूमि में की जा सकती है। अच्छी फसल के लिए जलोढ़, दोमट, लाल दोमट और हल्की से मध्यम श्रेणी की काली मिट्टी उत्तम रहती है। जल भराव वाली भूमि सनई की फसल के लिए हानिकारक है। साधारण ऊसर भूमि में भी सनई अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। खेत की तैयारी। बीज और रेशे के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। कल्टीवेटर या हैरो चलाकर अथवा देसी हल से 2 से 3 जुताइयां करनी चाहिए। अंतिम जुताई के बाद खेत को समतल और भुरभुरा बनाने के लिए पाटा चलाएं। हरी खाद के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। किसान भाइयों, अभी आपने जाना सनई की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और खेत की तैयारी के बारे में। चलिए अब आपको जानकारी देते हैं सनई की बुआई के लिए उपयुक्त समय के बारे में। बुआई का समय। हरी खाद के लिए बुआई सिंचाई सुविधाओं के अनुसार अप्रैल से जुलाई तक की जा सकती है। रेशे और दाने को बोने का सर्वोत्तम समय 15 जून से 15 जुलाई तक होता है। बारिश शुरू होने पर बुआई आरंभ कर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक समाप्त कर लेनी चाहिए।
सनई से अच्छी उपज और आय प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए जानते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। उन्नत किस्में M35, इसका रेशा अच्छी किस्म का होता है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 10 से 12 क्विंटल रेशा प्राप्त होता है। K12, इस किस्म से पीले रंग का रेशा और काले रंग के बीज प्राप्त होते हैं। औसतन 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रेशा प्राप्त होता है। M19, कम समय में तैयार होने वाली यह किस्म हल्की भूमि में लगाने के लिए उपयुक्त है। इस किस्म के रेशे अच्छे गुण वाले होते हैं। बीज की मात्रा फसल उगाने के उद्देश्य पर निर्भर करती है, तो आइए जानते हैं इसकी खेती के लिए बीज की मात्रा और बुआई की विधि के बारे में। बीज की मात्रा और बुआई, हरी खाद के लिए प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की संख्या अधिक रखें, जिससे भूमि में जीवांश पदार्थ अधिक मात्रा में पहुंच सके। हरी खाद के लिए 75 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर बोया जाता है। रेशे के लिए 60 से 80 और बीज उत्पादन के लिए 25 से 35 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त रहता है। हरी खाद के लिए बुआई छिटकवा विधि से करनी चाहिए। दाने और रेशे के लिए फसल की बुआई पंक्तियों में की जानी चाहिए। रेशे के लिए पंक्तियों के बीच की दूरी थोड़ी कम रखनी चाहिए। आमतौर पर सनई की खेती के लिए खाद की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, फिर भी सनई की फसल उचित देखभाल के लिए हमें कितनी मात्रा में और खाद और उर्वरक की जरूरत होती है, आइए जानते हैं। खाद और उर्वरक, सनई को अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। जड़ों की वृद्धि के लिए सनई की फसल को फास्फोरस देना आवश्यक है। पचास किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर सिंगल सुपर फॉस्फेट के माध्यम से बुआई के समय डालें। किसान भाइयों, बारिश शुरू होने पर फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खेत में जल निकास का प्रबंधन जरूरी है, जिससे खेत में जल भराव ना हो। इसके अलावा प्रायः तेजी से बढ़ती हुई फसल भूमि को ढक लेती है, जिससे खरपतवार नियंत्रित रहते हैं, इसलिए निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब आपको बताते हैं फसल की कटाई और पौधे से रेशा निकालने की प्रक्रिया के बारे में। फसल की कटाई, रेशे के उद्देश्य से बोई गई फसल 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। जब फसल में छोटी छोटी फलियां बनना प्रारंभ हो जाएं, तो रेशे की कटाई करें। साधारण तौर पर सितंबर में फसल काटने योग्य हो जाती है। कटाई हसिये द्वारा जमीन की सतह से की जाती है। इसके बाद फसल को सुखाकर डंडे की सहायता से बीज अलग कर लेते हैं। पौधों से रेशे निकालना, सनई के पौधों से रेशा प्राप्त करने के लिए इसे जूट के सामान सड़ाते हैं। सनई के पौधे कम समय में ही सड़ जाते हैं। सड़े पौधों को पानी में पीटकर साफ कर लेते हैं। फिर रेशे अलग कर लेते हैं। रेशों को अच्छी तरह से सुखाकर और ऐंठकर लपेटकर बंडल बना लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो थी सनई की खेती से जुड़ी हुई जानकारी। यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें दे सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199।
किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारी फसलों, फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया है। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हों इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो बिल्कुल मुफ्त है, जिस पर हमें किसानों की ओर से सराहना तो मिली ही है, साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए हमसे संपर्क भी किया है और कई किसान भाइयों के सवालों का हमने अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया है। कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा और उसका जवाब जानने की कोशिश की है। इंदौर के रहने वाले किसान भाई विकास ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है, आपका सवाल, मिर्च की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। हमारा जवाब, विकास जी, अच्छी वृद्धि और उपज के लिए उष्णीय और उप उष्णीय जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिकांश किस्मों के लिए 60 डिग्री सेल्सियस तापमान अनुकूल होता है। इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली जीवांश युक्त दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। असिंचित क्षेत्रों की काली मिट्टियां भी काफी उपज देती हैं। शीतकालीन मौसम के लिए जून जुलाई एवं ग्रीष्म मौसम के लिए दिसंबर एवं जनवरी में नर्सरी में बीज की बुआई करनी चाहिए। गोबर या कंपोस्ट की मात्रा 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। नाइट्रोजन 100 से 110 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटास 60 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। कंपोस्ट, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई के पहले खेत की तैयारी के समय देनी चाहिए। बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को दो बार में क्रमशः रोपाई के 40 से 50 और 80 से 120 दिन बाद देनी चाहिए। विकास जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल के बारे में। मुरैना के रहने वाले किसान भाई बीरबल ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क करके अपनी समस्या रखी। उन्होंने हमसे जानना चाहा है, आपका सवाल, चुकंदर की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। हमारा जवाब, बीरबल जी, चुकंदर की खेती के लिए 30 से 60 सेंटीमीटर की बारिश वाला क्षेत्र उपयुक्त होता है। चुकंदर की फसल को लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में पैदा किया जा सकता है। सर्वोत्तम भूमि बलुई दोमट या दोमट मानी जाती है। कंकरीली या पथरीली मिट्टी में वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं होती। भूमि का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। सर्दी की फसल होने के कारण ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी, रेतीली भूमि के लिए फसल की तैयारी उचित ढंग से करनी चाहिए। 2-3 जुताई करें और पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। 3-4 जुताई करके पाटा चलाएं और मिट्टी को भुरभुरा रखें जिससे जड़ों की वृद्धि ठीक हो। बगीचों में 3 से 4 गहरी जुताई और खुदाई करें। घास फूस को बाहर निकालें और छोटी छोटी क्यारियां बनाएं। बीरबल जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। इंदौर के रहने वाले किसान भाई माखन पटेल ने भी हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है, आपका सवाल, प्याज की फसल में कीट प्रबंधन की जानकारी चाहिए। हमारा जवाब, माखन जी, प्याज की फसल में कुछ प्रमुख कीट निम्न हैं, थ्रिप्स। ये कीट छोटे आकार के होते हैं और इनका आक्रमण
तापमान में वृद्धि के साथ तीव्रता से बढ़ता है। थ्रिस्प का असर मार्च में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इन कीटों द्वारा रस चूसने से पत्तियां कमजोर हो जाती हैं और आक्रमण के स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। रोकथाम। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 0.3 से 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिनों बाद फिर से छिड़काव करें। गुलाबी जड़ सड़न। इस रोग में जड़ें हल्की गुलाबी होकर गलने लगती हैं। रोकथाम। कार्बिन डाजिम का 1 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करके बुआई करें। पौध रोपण के समय पौधों को कार्बिन डाजिम के 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में डुबोकर रोपाई करें। माखन जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे थे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर संपर्क करते रहेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।